हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं माय स्किन केयर रूटीन इन समर सीज़न। सो इस समर सीज़न में पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हमारे यहाँ, मैं कृष्णनगर में रहती हूँ और इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अबाउट 44 to 45 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग पूरा जल रहे हैं इधर। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे स्किन में बहुत ही ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो, पिंपल एंड रैशेस हो रखे हैं। सो ये इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता क्यों ये हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खींचे खींचे भी है एंड फ्लेकी स्किन भी हो रहा है। सो इसके लिए मैं कुछ दिनों से एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ और इससे मुझे थोड़ा सा राहत मिला। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हो एंड आप लोग थोड़ा सा राहत मिलेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब के साथ छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ ये वाला रूटीन शेयर करूँगी एंड बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो मैं फेस वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ ये अरोमा मैजिक का ग्रेपफ्रूट फेस वॉश एंड इसका जो टी ट्री वाला वेरिएंट है वो भी बहुत अच्छा है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। सो इससे जो ब्लैक एंड वाइट हेड का प्रॉब्लम्स है वो भी चला जाता है और ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए है। सो पहले इसको मैं अप्लाई कर, मैंने स्किन को वेट कर लिया है और इसका थोड़ा सा क्वांटिटी में यूज़ करूँगी एंड इसको सर्कुलर मोशन में यूज़ कर। इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। सो अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप के साथ। मैंने फेस को पूरा वॉश कर लिया है एंड नेक्स्ट स्टेप है आईज थेरेपी एंड इसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से रब करूँगी। इसको डायरेक्ट मत यूज़ कीजिएगा नहीं तो स्किन पे फ्रोजन बाइट्स भी हो सकते हैं। एंड मैंने इसको एक हैंकी पे ले लिया है एंड अब मैं इसको पूरे फेस में सर्कुलर मोशन में रब करूँगी ऐसे। इससे हमारे स्किन में जो रैशेस एंड पिंपल्स है वो बहुत ही ज़्यादा सूद होता है और कम भी होने लगता है एंड स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। अगर आप लोगों का डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो आप लोग आई एरिया पे भी ऐसे रब कर सकते हो, उससे हमारा जो डार्क सर्कल है वो भी दूर हो जाता है। मैंने पूरा जो आइस क्यूब था उसको पूरा रब कर लिया है एंड मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक टोनर एंड टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर और ये है लैवेंडर वेरिएंट एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अफोर्डेबल भी होता है एंड बहुत अच्छे से काम भी करता है। सो इसको मैं स्प्रे कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है एंड इसके बाद मैं करूँगी मॉइस्चराइजेशन। सो मेरा टोनर ड्राई हो गया है स्किन पे और अब मैं यूज़ करूँगी एक मॉइस्चराइज़र एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो है ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए। सो मेरा स्किन ऑयली है लेकिन फिर भी मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में भी मेरा स्किन ड्राई हो रहा है। सो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा टी ट्री ऑयल क्योंकि ये जो रैशेस एंड पिंपल्स है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको इसमें ऐड करूँगी एंड फिर अप्लाई करूँगी।
एंड मॉइस्चराइज़र के बाद में मैं यूज़ करूँगी ये सनस्क्रीन एंड ये है लोटस का सनस्क्रीन एंड ये थोड़ा सा टिंटेड होता है लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड इतना ज़्यादा गर्मी में ये सनस्क्रीन बहुत ही मस्ट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। सो इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। सो ये हो गया है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोरोलिन, एंड बोरोलिन मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी लिप्स के लिए। लिप्स भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है एंड लिप्स को मत भूलना चाहिए। सो यही था मेरा स्किन केयर नाउडेज। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब के साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो बाय गाइस।